नमस्कार दोस्तों, टेस्टल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कोम्बर प्रोडक्शन फॉर्मूले के बारे में समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिकांश छात्रों को कोम्बर प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसको समझने में प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या लगा के रखी है और कैसे क्यों लगाई है। उसके बाद नॉइल निकालने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि नॉइल कैसे निकलता होगा, नॉइल क्या है। तो इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले कोम्बर मशीन की क्रिया विधि को समझ लीजिए, जो मैंने पुराने वीडियो में बता चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आइकॉन में आपको लिंक दिख रही होगी। तो आप पहले क्रिया विधि समझ लीजिए कोम्बर की, उसके बाद प्रोडक्शन फॉर्मूला समझिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे लगा के रखी है और किस लिए लगा के रखी है प्रोडक्शन फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोम्बर कैलकुलेशन में जो प्रोडक्शन का फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे काउंट में दो सिस्टम चलते हैं, एक डायरेक्ट सिस्टम चलता है, एक इनडायरेक्ट सिस्टम चलता है। डायरेक्ट सिस्टम में टैक्स और डिनियर आता है, इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारा कॉटन काउंट आता है। तो हम पहले डायरेक्ट सिस्टम की बात करेंगे, टैक्स डिनियर वाले। तो इसका प्रोडक्शन जो फॉर्मूला होगा वो पहले आप लिख लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। प्रोडक्शन इक्वल फीट पर निप इनटू निप्स पर मिनट इनटू 60 इनटू 8 इनटू कोष्टक लगा के 100 माइनस नॉइल परसेंटेज कोष्टक बंद इनटू इफिशेंसी परसेंटेज मशीन की इफिशेंसी परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ हेड इंटू लेब बेट, जो फीट करते हैं लेब वो है, वो लेब बेट ये है मीटर पर ग्राम में, कोष्टक में मीटर पर ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन का फॉर्मूला कोम्बर के, डायरेक्ट सिस्टम की बात करें तो। तो अब मैं सब आपको ये समझाता हूँ सबसे पहले कि कौन सी चीज़ किस लिए लगा के रखी है प्रोडक्शन फॉर्मूले में। तो सबसे पहला है फीट पर निप। फीट पर निप का मतलब हुआ कि जो मटेरियल है हमारा, हम मटेरियल फीट कर रहे हैं लेप, तो जो लेप है वो कितने एमएम में फीड हो रहा है, क्योंकि निप जो है, निपर का जो काम है कोम्बर मशीन में वो होल्ड करने का है मटेरियल को। तो वो कितना, जो हमारा मटेरियल है वो फीट कितने एमएम में हो रहा है, इसलिए फीट पर निप लगा के रखा है। उसके बाद है निप इनटू निप पर मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि एक मिनट में कितना मटेरियल फीड हो रहा है, कितना वो होल्ड करता है एक मिनट में, कितनी बार जो निप है वो होल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कितनी बार होल्ड करता है एक मिनट में, इनटू 100 नहीं इनटू 60 इनटू 8। तो 60 और 8 क्यों लगा के रखा है, 60 लगा के रखा है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 8 इसलिए लगा के रखा है क्योंकि जो एक शिफ्ट होती है प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट में वो 8 घंटे की होती है। तो हम 8 की जगह यहाँ 12 भी कर सकते हैं, अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो, 6 घंटे की शिफ्ट है तो 6 भी कर सकते हैं। तो अधिकांश 90% 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो 60 इंटू 8 इंटू 100 माइनस नॉइल परसेंटेज। तो 100 में से मतलब 100% हम जो मटेरियल जो लेप फीट कर रहे हैं उसमें बेस्ट कितना निकल रहा है, कितना नॉइल निकल रहा है, बेस्ट मतलब नॉइल, तो उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे नॉइल का परसेंटेज, बेस्ट का परसेंटेज, इंटू एफिशिएंसी, ये मशीन की एफिशिएंसी मतलब मशीन 100% में से कितने परसेंट वर्क कर पाती, कितने प्रतिशत, कोई हर मशीन 100% कभी वर्क नहीं कर पाती, कोई 90% वर्क कर पाती है, कोई 95, कोई 85, सबकी मशीन की अपनी अलग अलग विशेषता है। इनटू नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड मतलब एक बार में एक मशीन में कितने लेप फीट करते हैं, किसी मशीन में 6 भी कर सकते हैं, किसी में 8 हेड की मशीन होती है, 8 की अधिकांश होती है, जो कोम्बर मशीन होती है वो 8 हेड का होता है। तो नंबर ऑफ हेड इनटू लेप वेट मीटर पर ग्राम, तो जो हम फीट कर रहे हैं लेप वो
एक ग्राम में कितने मीटर या एक मीटर में कितने ग्राम उसका वेट है। होल डिवाइडेड बाय 1000 × 1000 × 100 × 100। 1000 का यूज़ क्यों किया हमने यहाँ पे नीचे, तो जो फीट पर निप है वो है एमएम में कि कितने एमएम मटेरियल फीड हो रहा है। तो एमएम को जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, इसलिए ये 1000 का हमने यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा 1000 है, तो वो दूसरा 1000 इसलिए है कि जो हम लेप फीट कर रहे हैं वो है मीटर पर ग्राम में। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से भाग देना होगा, इसलिए दूसरा 1000 का यूज़ किया है। उसके बाद 100 का यूज़ किया है, तो जो इफ़िशेंसी परसेंटेज जब भी निकालोगे आप किसी भी चीज़ का तो 100 का यूज़ करेंगे, तो ये एक मशीन की इफ़िशेंसी परसेंटेज के लिए 100 का यूज़ किया है और नॉइल परसेंटेज के लिए 100 का यूज़ किया है। ये पूरा प्रोडक्शन सूत्र हमारा तैयार हो गया इस प्रकार से। अब नॉइल परसेंटेज निकालना सीख जाते हैं अपन कि नॉइल कैसे निकलता है, क्योंकि हमारा हमें ये तो मालूम पड़ जाएगा कि फीट पर निप कितना है, निप पर मिनट कितना है, ये तो मशीन की स्क्रीन भी बता देगी और हम जो कैलकुलेशन से भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन नॉइल कैसे निकलता है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ना वेस्ट कितना निकल रहा है मटेरियल का। तो नॉइल निकालने के लिए हम सीखेंगे यहाँ पे नॉइल परसेंटेज इक्वल, ये आप लिखते जाइए। अब नॉइल कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो नॉइल परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ नॉइल इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्लाइवर प्लस वेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो वेट ऑफ नॉइल, तो 8 घंटे में कितने केजी नॉइल निकलता है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्लाइवर। 8 घंटे में स्लाइवर का वेट कितना है, डिलीवरी कितने हमें मिल रही है, तो वो स्क्रीन पे दिखा देगा 8 घंटे के कैलकुलेशन के हिसाब से स्क्रीन बता देती है। उसके बाद है नंबर ऑफ वेट ऑफ डिलीवरी, तो हमें नॉइल परसेंटेज यहाँ पे मालूम हो जाएगा। तो हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो वेट ऑफ नॉइल है वो है 210 केजी का, 8 घंटे के हिसाब से अगर बेस्ट निकल रहा है तो वो 210 केजी निकल रहा है इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्लाइवर। तो वेट ऑफ हमने जो स्लाइवर का वेट है वो मान के चले हमने 1500 केजी, और प्लस है वेट ऑफ डिलीवरी, तो वेट ऑफ डिलीवरी हमने मान के चला है 210 ही, ठीक है। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 210 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 210, तो ये हमारा नॉइल परसेंटेज आएगा 12.28। ये कितना भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। वैसे तो हम नॉइल निकालते हैं मशीन में 16%, 17%, 18.5%, 19% तक हम निकालते हैं नॉइल वैसे तो इंडस्ट्री में, कम भी निकाल मटेरियल के ऊपर रहता है कितना अच्छा मटेरियल है। तो जो नॉइल निकालने की प्रोसेस आप समझ चुके हो, अब प्रोडक्शन सूत्र की बात करते हैं। प्रोडक्शन सूत्र आपने लिख लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं ऐसे ही हल्का फुल्का कि जैसे निप पर मिनट है, तो निप पर मिनट का मतलब हो गया कि जो मटेरियल है वो एक मिनट में कितनी बार फीड होता है। तो हम उदाहरण के लिए मानते हैं 250 बार एक मिनट में मटेरियल फीड हो रहा है निप पर मिनट, ठीक है। और फीट पर निप, फीट पर निप मतलब कि कितने एमएम में हो रहा है, तो अपन मान लेते हैं 4.9 एमएम वो होल्ड कर मतलब फीड होता है हमारा जो मटेरियल है वो 4.9 एमएम में फीड हो रहा है, और कितनी बार फीड हो रहा है एक मिनट में, वो 250 बार फीड हो रहा है, ठीक है। लेप का वेट है, तो लेप का वेट हो जाएगा 68 ग्राम पर मीटर, ये एक उदाहरण के लिए। नंबर ऑफ हेड मशीन के 8 हो गए, और 100 माइनस नॉइल परसेंटेज, तो जैसे हम 18.5% नॉइल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 82 हम रखेंगे,
क्योंकि 18.5% निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी की जगह 65% एफिशिएंसी मशीन की है ये हम रखेंगे। इस प्रकार से हम प्रोडक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं मशीन में। अब जैसे जो निप पर मिनट के बारे में मैं और थोड़ा समझाता हूँ कि निप पर जो मिनट का यूज़ है वो मशीन में एक रेचेट व्हील लगी हुई होती है, और रेचेट व्हील की सहायता से क्या होता है, हम मटेरियल को कम फीड कर सकते हैं और ज़्यादा फीड कर सकते हैं, इसलिए रेचेट व्हील का यूज़ करते हैं मशीन में। अब इसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन, बस ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला तैयार हो गया आपका, 0% इस प्रकार से निकलता है। अभी तक मैंने जो प्रोसेस बताई है वो डायरेक्ट सिस्टम की बताइए, मैं इनडायरेक्ट सिस्टम का प्रोडक्शन फार्मूला आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेम ही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। इसमें आएगा फीड पर निप इंच में, मतलब जो फीड हो रहा है वो एक इंच में कितना हो रहा है पर इंच, इंटू निप पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, इंटू 60 × 8, मतलब एक घंटे का 60 मिनट, 8 घंटे की शिफ्ट, इंटू कोष्टक में 100 − 0% कोष्टक बंद, इंटू मशीन एफिशिएंसी, इंटू नंबर ऑफ हेड, डिवाइडेड बाय 36। 36 क्यों लगाया है, तो जो फीट पर निप है इंच में, इसको एक यार्ड में 36 इंच होते हैं, तो इंच को यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 36 का यूज़ कर लिया, इंटू 840 इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड है, कॉटन काउंट का, इंटू हैंक या काउंट, इंटू 2.2 किसी भी चीज़ को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 100 × 100 मतलब एफिशिएंसी के लिए 100 हो गया परसेंटेज में, और 0% के लिए 100 लगा के रखा है। ये कोम्बर प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, दोनों प्रकार से आपको समझा दिया है, और इसी प्रकार से प्रोडक्शन फॉर्मूले की कैलकुलेशन होगी। जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो आपको दी जाएगी, अगर एग्ज़ाम के लिए है तो एग्ज़ाम में दिया जाएगा आपको। उदाहरण के लिए बता दूं मैं, 0% निकालना आ गया, तो 0% जैसे प्रोडक्शन के लिए निप पर मिनट आपको दिया होगा 250, फीट पर निप आपको दिया होगा 4.9 mm, वेट पर वेट आपको दिया होगा, नंबर ऑफ हेड आपको दिया होगा, पर एफिशिएंसी दी होगी आपको, 0% दिया होगा, आपको बताएंगे प्रोडक्शन कैसे निकालना है, तो आप ये सूत्र में सब जमा दोगे और ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो पे बने रहे ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ। शुक्रिया।